ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद मैं आज सो गाइस हियर इज योर स्टार. सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद मैं आज वर्कआउट जो है प्रॉपरली करने जा रहा हूँ. एंड प्रॉपरली इन द सेंस ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम वर्कआउट को. मिक्स मैंने कर चुका है, बस एक जो मसल है उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो कि होने वाला है बाइसेप. एंड बाइसेप के हम 4 वेरिएशंस लेंगे जो कि इंस्टेंट पंप प्रोवाइड करेगा मसल को. लेट्स सी कि ये कौन से 4 वेरिएशन है. सलीम सैयद इन द हाउस. एंड सलीम भाई, हम कौन से 4 वेरिएशन लेने वाले हैं जो कि इंस्टेंट पंप प्रोवाइड करेगा हमारे बाइसेप मसल को. रिसर्कल, ओके, और बोथ हैंड डंबल्स कल, ओके, और क्लोज ग्रिप मशीन पे करेंगे हम लोग, ओके, जिगजैग बार के साथ, ओके, और हैमर, ओके. तो ये जो भी वर्कआउट है हम साथ करने वाले हैं ना. हाँ हाँ, श्योर, पक्का पक्का. तो चलो, तो सलीम भाई तैयार है कि मेरे साथ ही हो जाएगा उनका भी वर्कआउट. बट आप शायद से बाइसेप मार चुके हैं, मेरे लिए वापस मारने वाले हैं. यस, क्या बात है. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वर्कआउट एंड देखते हैं कि कैसा पंप आता है. अभी फिलहाल आप मेरे बाइसेप का साइज देख सकते हो कि कैसा दिख रहा है. एंड बिफोर एंड आफ्टर मैं फोटो अपलोड कर दूंगा एट लास्ट. एंड सलीम भाई, थैंक यू. जिम में इस वक्त कोई भी नहीं है, लेकिन आप जहाँ जाते होंगे शायद आपके टाइम पे और भी अदर्स मेंबर होते होंगे, तो किसी को पसंद आए ना आए तो इस बात का ख्याल रखिए. और जितना होता है टी शर्ट पहन के ही वर्कआउट करें. जब प्रॉपर बॉडी शेप में आ जाए, अच्छे से बन जाए, मसल ग्रोथ हो जाए, तो फिर आपकी मर्जी जहाँ चाहे वहाँ टी शर्ट. हाँ, क्योंकि इंसान बॉडी बनाता है यार दिखाने के लिए. बट फिर भी उसके बाद दिखाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा. और जिम के रूल्स फॉलो करो. वैसे मेरी इतनी नहीं बनी जितनी बन जाएगी. बन जाए आफ्टर 3 मंथ्स. एक वीडियो और डालेंगे हम लोग, तब शायद मेरे जैसे दिखेंगे. रिजवान भाई भी आपको. स्लोली डाउन 6. अभी इसके बाद हम लोगों को लेना है हैमर. हैमर कितना वेट लेना भाई? 7.5. So, आप लोग देख सकते हो इतने भी अच्छा खासा फर्क है. एंड अभी और भी 2 वेरिएशन बचे हुए तो वो कंटिन्यू करेंगे हम लोग. लेकिन सलीम भाई इतने भी ब्रेक लेके हालत खराब हो गई. नहीं, ब्रेक लेके करेंगे क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद कर रहा हूँ यार गाइस. नहीं बस, तो एक साथ करेंगे तो फिर एक साथ छुट्टी हो जाएगी पूरी, तो आराम आराम से जाएंगे. बट आफ्टर 3 मंथ आप इस बंदे को कुछ अलग ही शेप में देखोगे और कुछ अलग ही रोल में देखोगे.
थैंक यू सो मच हसन। हां लास्ट वन 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्लोज ग्रिप को दे बाइसेप्स की एक्सरसाइज में, क्योंकि इसी से आपका बाइसेप्स अच्छा दिखेगा। वाइड ग्रिप और मॉडरेट ग्रिप से कुछ नहीं होने वाला है, तो जितना होता है ज़िगज़ैग बार यूज़ करें बाइसेप्स के वर्कआउट में। और मॉडरेट वेट ले, हाई रेपिटेशंस रखें 12 to 15, ये नहीं कि ज़्यादा वेट लेके 4 और 6 मार रहे हिल डुल के, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो प्रॉपर फॉर्म में करें और कॉन्ट्रैक्शन पे ज़्यादा फोकस करें। 2 1 3 और गाइस इसमें एल्बोज को मूवमेंट नहीं देना है, ओनली 4 आर्म्स अप एंड डाउन। 5 1 6 7 और कॉन्ट्रैक्शन पे ज्यादा ध्यान दें। तो अब ये सेकेंड सेट था, और भी आप हो सकता है शायद से हो सकता है कि दिख रहा हो पंप, क्योंकि मुझे उतना लाइक लग तो रहा है मुझे, बट भी आ गई है पंप हो गया मसल्स, क्योंकि मैं बहुत टाइम की बात कर रहा हूँ यार इसके लिए, क्योंकि मैंने और बड़ी बॉडी देख चुका हूँ ऑलरेडी मेरी। ओनली 3 मंथ भाई, 3 मंथ तो आज का डेट नोट कर ले और नेक्स्ट 3 मंथ का डेट फ्यूचर का। तो डंबल्स भी 2.5 बहुत है, 5 जाएगा यार नहीं जाएगा, करेक्ट फॉर्म में करना है, वेट को ध्यान नहीं देना है, कॉन्ट्रैक्शन को ध्यान देना है। यस प्रॉपर थोड़ा आगे जाओ, हाई स्ट्रेट रखो, एल्बोस क्लोज लो थोड़ा, हाँ अप, हाँ स्लोली डाउन, 1 20 काउंट्स कंटिन्यू, 1 फुल कॉन्ट्रैक्शन देना है, 9 हाँ और फुल रिलीज करना है, 10 डेड हो चुका है बाइसेप्स, तो अभी हम लोगों को ज्यादा उसको तकलीफ नहीं देना है भाई। चलो ये फुल जोश में है इस वक्त, लेकिन कल सुबह इनको पता चलेगा। एक्सरसाइज बहुत अच्छा है बाइसेप्स के लिए प्रीचर कर, चीटिंग नहीं होगा, बॉडी स्ट्रेट रहेगा, एल्बोज स्ट्रेट रहेगा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करना है, हां फॉर्म दिख रहा है, पीछे बैक टच करना है पूरा भाई, पूरा बैक टच करना है, सही यस हां। बाइसेप्स वर्क होगा, ओनली बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई अपर बॉडी मूव नहीं होती। आप लोग देख सकते हैं इसका इंस्टेंट रिजल्ट, जो कि रिजवान भाई के बाइसेप्स पे दिख रहा है, पंप हो चुके हैं यार, काफी अच्छा पंप हुआ है यार भाई, पक्का 3 महीने में रेडी हो जाऊंगा ना। यस 200%, बट इनको अपना 100% देना पड़ेगा। मैं रेडी हूँ इस बार तो एकदम। आप लोग सुन रहे हो ना, सो गाइज आप लोग देख सकते हो कि 4 ही वेरिएशन मैंने किया है, एंड 4 वेरिएशन में आप लोग रिजल्ट देख सकते हो, एंड स्टार्ट में आप लोगों ने देखा था, तो मैं आफ्टर एंड सॉरी बिफोर एंड आफ्टर का जो भी मैं फोटो डालने वाला था वो तो डालूंगा ही, बट आप लोग खुद अपने सामने आंखों के सामने ये रिजल्ट देख सकते हो, एंड बस ये पॉसिबल करवाया है सलीम भाई ने, एंड थैंक यू सो मच सलीम भाई, एंड कुछ जो टिप्स है।
नहीं मेरा तो ठीक है, कुछ आप ऑडियंस के लिए और जो भी स्टार भी है मेरी एंड जितने भी लोग मुझे देखते हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे जो कि अभी न्यू है? हैवीवेट्स ट्राई ना करें, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से ही वेट लिफ्टिंग करें और प्रॉपर फॉर्म में करें, क्योंकि इंजरी से सेफ रहेंगे और मसल बहुत अच्छा होगा। और आपकी मतलब आपके साथ और भी वीडियोस आएंगी या नहीं आएंगी? आप रहेंगे तो डेली वीडियोस आएंगी। सो थैंक यू सो मच स्टार्मी एंड वीडियोस आती रहेंगी यार जिम की वीडियोस। एंड और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि दैट हमेशा की जैसे मैं बोलता हूँ आखिर में, ऑल दी स्टार्मी तो बोलते हैं कीप लविंग कीप सपोर्टिंग एंड लव यू स्टार्मी फॉर एवर। स्टे फिट स्टे स्पाइसी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।